हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और नकली अपमिश्रित शराब बनाने और बेचने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपदीय एसओजी और थाना हाफिजपुर की पुलिस टीम द्वारा नामी कंपनियों की नकली अपमिश्रित शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से नामी कंपनियों की 10 पेटी नकली अपमिश्रित शराब, नकली ढक्कन, सील, खाली पौवे, फर्जी बार कोड, नामी कंपनियों के खाली कार्टून और अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। जनपद हापुड़ की एसओजी टीम एवं थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही बड़े गैंग का खुलासा किया है। दोनों टीमों ने मिलकर के एक अवैध तरीके से शराब बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिनके पास से कई नामी ग्रामी जो शराब की कंपनियां हैं, जैसे रॉयल स्टैग है, वेव है और भी रॉकफोर्ड है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियों के बॉटल, डब्बे, उनके ऊपर लगाने वाले ढक्कन और होलोग्राम, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ अवैध शराब बनाने के लिए जो ये उपकरण इस्तेमाल करते थे, जैसे कुछ केमिकल इस्तेमाल करते थे, पानी मग, जग और इमरजेंसी लाइट, ऐसे कई सारे उपकरण बरामद हुए हैं। इनके पास से कई सारी शराब की पेटियां, देशी की एवं विदेशी की, बरामद हुई हैं और इनके पास से लगभग ऐसे कई सारे लोग मिले हैं जो ये अलग अलग ठेकों में इस शराब को सप्लाई किया करते थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये हापुड़, मेरठ व मुजफ्फरनगर के कई सारे ठेकों में ये लोग शराब वगैरह सप्लाई करते थे। इनसे पूछताछ में जिन ठेकों के नाम या जिन दुकानों के नाम सामने आए हैं, उसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को लिखा गया है उस सभी ठेकों को चेक कराने के लिए जहाँ पर इस तरीके से अवैध शराब बना करके दी जा रही है। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि ये जो कुछ सेल्समैन हैं ठेकों के, ये लोग शराब की एक असली शराब की बोतल से कुछ शराब को निकाल करके उसमें कुछ पानी और कुछ केमिकल और रंग वगैरह मिला करके ये लोग नए बोतल में पैक करके अवैध शराब के रूप में ये लोग बेचते थे और इससे ये लोग पैसे कमाते थे। इनके पूरे गैंग में 2-3 लोग और हैं जो हमारी प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग इसमें वांछित हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ 17-18 मुकदमे भी पंजीकृत हैं अलग अलग, और पहले भी ये लोग अवैध शराब बेचने के मामले में जेल जा चुके हैं। कब से इस काम को कर रहे थे ये? पिछले 4-5 महीने से इस काम को कर रहे थे हाफिजपुर में, उसके पहले ही अलग अलग क्षेत्रों में करते थे। कभी कभार ये जनपद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, इस तरफ भी ये लोग इस तरीके के कार्य को करते थे। अभी सभी जो इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है और जो भी इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है उन सबको अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। कहां पर ये फैक्ट्री चल रही थी, क्या इन्होंने हापुड़ जनपद में भी किसी शराब के ठेके पर ये शराब बेची थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हापुड़ और मेरठ के कई सारे ठेकों में इन लोग इस शराब को सप्लाई किया हुआ था। ये हाफिजपुर के थाना क्षेत्र में जंगल में एक पुराना टूटा हुआ एक मकान था, वहाँ पे ये लोग कर रहे थे जब हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। और भी ये पुराने पहले और भी जनपदों में अलग अलग जगह इनके ठिकाने हैं जहाँ पे इस तरीके से शराब को मिश्रित करके ये लोग ठेकों में सप्लाई किया करते थे। केमिकल कौन सा मिलाते थे? ये रंग बढ़ाने के लिए या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए केमिकल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पूछताछ में इन्होंने उसका नाम नहीं खोला है, पर इसकी लैब से जाँच करने के उपरांत इसका नाम क्लियर हो। सर, जान माल की हानि कोई? अभी इस तरीके से कोई जान माल की हानि नहीं है। ज़्यादातर प्रकरणों में देखा गया है कि शराब की असली बॉटल में से कुछ शराब को निकाल करके उसमें पानी मिला करके और उसके रंग को बराबर करने के लिए उसमें रंग मिला करके लोग नए शराब के रूप में बेचते थे।